सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनदर डे एंड अभी हम लोग का नेक्स्ट जो राइड है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम काठमांडू टू पोखरा। एंड यहाँ पे हमारे बाइक्स लगे पड़े, वहाँ पे निंजा 1000 मैंने निकाल दिया है, यहाँ पे रही 650, ये रही अपनी गॉडज़िला एंड उमेश भाई की बाइक अंदर की तरफ है। अभी हमने चेन लूप भी वगैरह कर लिया एंड नॉट टाइम फॉर अ कोल्ड स्टार्ट, तो बाइक को थोड़ी देर स्टार्ट करके छोड़ देते हैं क्योंकि कल पूरे दिन मेरी बाइक यहीं पर लगी पड़ी थी। कल हम लोग 650 और निंजा 1000 से घूम रहे थे, अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा तो आपको पता होगा। तो बिना लेट के गाइस यहाँ से निकलते हैं, बारिश अभी भी हो रही है एंड पैकिंग वैकिंग करना बाकी रह गया, तो जल्दी से सबका पैकिंग करवाते हैं, मतलब बाइक पे पैक करना बाकी रह गया, वैसे सामान सारा पैकिंग हो चुका है, तो जल्दी से सबका पैकिंग करवाते हैं। मेरा तो बस टैंक बैग ऊपर चिपकाना है, तो वो तो इसी है, मैग्नेटिक टैंक बैग रखना है। तो चलो बिना लेट के सीधा यहाँ से निकलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं गोपुर, जैसे बारिश रुकेगा तो फिर आपको गोपुर ऑन करके आगे का नज़ारा दिखाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे सिर्फ और सिर्फ लीटर और जो पेट्रोल का प्राइस है तो उसको मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पे फ्यूल का प्राइस पे करना, क्योंकि यहाँ पे वैसा कोई डिजिटल डिस्प्ले है नहीं जहाँ पे प्राइस शो करेगा। 7 लीटर 8 लीटर करते करते और यहाँ का जो पेट्रोल का प्राइस है 181 रुपीज़ पर लीटर है। तो गाइस आप देख सकते हो बारिश के बाद यहाँ का रोड का क्या कंडीशन हो चुका है, साथ ही साथ अभी हम लोग बिल्कुल डाउनहिल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे एकदम स्लांट है भाई रोड बहुत ही ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा ट्रक एंड बसेस चल रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत आराम से चलाना है यहाँ पे। और यहाँ पे एक अंडर टनल बन रहा है, देखो कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट हो गया ना तो फिर रास्ता और भी शॉर्ट हो जाएगा आई गेस, जैसे कि मतलब इन्होंने बताया था। एंड यहाँ से ऑफ रोड पैच मिल गया हमें, तो बहुत ही संभल के चलाना पड़ेगा हमें इस रोड पर खास करके। राइट साइड आप देख सकते हो ये अभी टनल बनने वाला है, मतलब काम काफ़ी टाइम से चल रहा है। लास्ट ईयर भी मैं आया था तो ये देखा था कंस्ट्रक्शन चालू था, अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है एंड बिल्कुल बता रहा हूँ सच में, अभी बारिश अगर हो गया ना तो भाई बहुत ही हालत ख़राब होने वाला है। एंड ये भाई सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होने वाला जोन है, तो इसको अपन जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। इस पहाड़ों में सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगता है ना कि जैसे आप डाउनहिल की तरफ जाते जाओगे ना तो आपको रोड भी अच्छे मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ आपको बारिश भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर के साइड ना बारिश हमेशा आपको मिलेगी। कहीं भी आप पहाड़ पर जाओगे, जैसे जितना ऊपर जाओगे आपको बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट जैसे अभी डाउनहिल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, देखो रोड भी सूख चुका है एंड रास्ता भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो अभी भाई सुबह के 8 बज रहे हैं, वैसे अगर नेपाल में हम बात करें तो यहाँ 15 मिनट फास्ट है, मतलब यहाँ का टाइम इंडिया से कंपेयर कर दे तो यहाँ पे लगभग 8:21 हो रहे होंगे। मेरे साथ पीछे उमेश भाई एंड बाकी भाई 2 लोग, जो वो लोग पता नहीं कहाँ धीरे धीरे कछुए की तरह आ रहे, गॉड नोस किधर है। वहाँ पे एक ऊपर में बहुत ही खूबसूरत सा भाई स्तूपा बना हुआ है एंड आई नो गोप्रो में ये कवर अप नहीं हो पा रहा, बट काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है, बहुत दूर से विजिबल है भाई। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा इनको यार, ये पल्सर 150 लेकर जिस तरीके से राइड कर रहे हैं ना, अगर इनके हाथ में कोई बड़ी बाइक रहती ना तो भाई मचा देते, लिटरली बता रहा हूँ। बट एक और प्लस पॉइंट है पल्सर का कि वो हल्की बाइक है, उसको आराम से कहीं भी लेकर आराम से वो ऑफ रोड वगैरह कर पा रहे होंगे एंड साथ ही साथ उनको थोड़ा नीचे ग्राउंड क्लियरेंस के लिए नहीं सोचना पड़ रहा होगा, जैसे हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है क्योंकि हमारा ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है उनके बाइक से, दैट्स द रीज़न। पाल में आपको इस तरह के बाइक बहुत सारे दिखेंगे, मतलब छोटे छोटे बिल्कुल डर्ट बाइक से एंड ये ज़्यादा नहीं 150, 200, 250 cc के होते हैं, बट इसमें ना बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी होता है ऑफ रोडिंग करने का। साथ ही साथ अभी देखो 9 बजने वाले अप्रॉक्स, हम लोग निकले थे अराउंड 7 बजे, तो टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम लोग 2 घंटे में कवर कर चुके हैं अराउंड 70 किलोमीटर्स। और भाई ऐसे रास्ते पर 70 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा होता है, साथ में आपने देखा रोड कैसा था, पूरा कर्वी और साथ ही साथ बारिश भी हमें मिला, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्की वाला रोड था, बट स्टिल हमने 2 घंटे में 70 किलोमीटर कवर कर लिया। और अभी हम लोग आगे फर्स्ट स्टॉप लेंगे मुगलिंग में, अभी तक बाइक बिल्कुल नॉन स्टॉप चलाए जा रहे हैं, मुगलिंग में रुकेंगे, वहाँ पे हम लोग रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद सीधा वहाँ से निकलेंगे पोखरा के लिए, क्योंकि मुगलिंग जो है ना वो एकदम सेंटर हो गया। वहाँ से अगर आप लोग पोखरा जाओगे या फिर वापस काठमांडू तो आपको सिमिलर सेम किलोमीटर पड़ता है, तो लगभग 30 किलोमीटर के बाद हम लोग को मुगलिंग मिलने वाला है, वहीं पर रुकेंगे एंड उसके बाद फिर आप लोगों से मिलता है वहीं पर। अपन पहुंच चुके हैं मुगलिंग एंड यहीं पे कहीं रुक के भाई हम लोग करेंगे अभी ब्रेकफास्ट। एक बार हाथ का कंडीशन देख लो भाई, कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है एंड मैं ढूंढ रहा हूँ कि लास्ट टाइम अपन कौन से होटल में रुके थे खाने को, मेरे को नाम नहीं याद है, मैं अभी उज्जवल भाई को कॉल करके पूछ लेता हूँ, आराम से पहले बाइक को इधर लगा लेते हैं। सो गाइस तो अपन मुगलिंग पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हमने पहला ब्रेकफास्ट लिया है, बाकी लोग को आने में अभी टाइम लगेगा, मैं अकेला पहुँच चुका हूँ, बैग का हाल देख सकते हो एंड जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। अभी वो लोग मेरे से 18 किलोमीटर पीछे, अभी मैंने लाइव लोकेशन देखा है एंड थोड़ा मेरा गला भी भारी हो चुका है, तो इसको ख़त्म करते हैं एंड फिर उन लोग आने का वेट करते हैं। तो अभी हमने बस एकदम ब्रेकफास्ट कर लिया एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स पोखरा एंड भाई धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गया एंड यहाँ पे पानी का फ्लो देखो, बहुत ही ज़्यादा फ्लो पानी का एंड ये सिनेरियो बहुत ही एपिक है। हैव अ लुक गाइस, कितना प्यारा लैंडस्केप ये दिख रहा है। तो अभी हमें लगेगा लगभग 3 घंटे एंड टाइम इज़ 11:20,
तो मोस्ट प्रोबेबली 2:30 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे अगर नॉन स्टॉप चलाए तो। लाइसेंस तो भाई यहाँ पे हमें रोका गया है लाइसेंस के लिए। लो बट यार इन्होंने बिना देखे बोला जाओ, चलो अच्छी बात है। एक्चुअली उन्होंने देखा नहीं कि ये बाइक इंडिया की नंबर है, बट फिर उन्होंने देखा तो सोचा कि चलो इनके पास तो लाइसेंस होगा ही। भाई ऐसे थोड़े ना कोई मतलब अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आके बाइक राइड कर रहा। और अभी जो आगे आप लोगों को नज़ारा दिखने वाला है थोड़ी ही देर के बाद पूरा हिमालयन रेंज, वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी पहुँचने का क्योंकि जैन भाई बहुत आगे निकल चुके हैं। एक्चुअली उन्होंने मैप पर लोकेशन नहीं देखा था एंड हम लोग से काफ़ी आगे रुक गए थे वो जाकर। और इधर का रास्ता ना आई गेस कि काठमांडू से ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि काठमांडू वाला जो रास्ता है भाई उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आपको रोड में पॉटहोल्स एंड स्लश भी देखने को मिलेगा। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, अब आगे का पता नहीं। अभी तक तो भाई काफ़ी अच्छा रोड है और काफ़ी अच्छा रास्ता हमें मिला है। और ये चेकआउट करो यार आप लोग, देखो बिल्कुल ना एकदम नैरो सा रास्ता एंड साथ ही साथ प्रॉपर ऑफ रोड भी मिल रहा है यहाँ पर। लकली अभी बारिश नहीं हो रहा, अदरवाइज ये वाला पैच और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता। और भाई साहब गर्मी लग रहा है इतना ज़्यादा, क्या ही बताऊँ मैं, क्योंकि हमने रेन लाइनर भी पहन रखा है। हम लोग रुकना नहीं चाहते कि यार फिर बारिश आके मिले तो रेन लाइनर पहनने के लिए रुकना पड़ता है, उसमें 10-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। मैंने सोचा कि चलो एक बार डाल ही लेते, गर्मी झेल लेंगे, बट भाई टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें आज ही परमिट वगैरह सब कुछ लेना है। वॉट अ व्यू मैन, अमेजिंग। एंड सच बोलूँ तो भाई इसलिए किसी चीज़ का ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहिए। मैंने अभी रोड का तारीफ़ किया और रोड का कंडीशन एक बार देखो, इधर क्या हालत ख़राब है भाई, फुल स्लशी और साथ ही साथ भाई बहुत, इधर देखो इधर वाटरफॉल भी है छोटा छोटा सा एंड उसकी वजह से पूरा रोड का भाई एल लगा पड़ा है। सो गाइस तो अपन ऑलमोस्ट पोखरा एम कर चुके हैं, ये रहा भाई गेट। एंड यहाँ से भाई मुझे 3-4 किलोमीटर और अभी कवर करना है क्योंकि मुझे जाना है उजुल भाई के घर पे एंड वहाँ पे जाकर सारा लगेज वगैरह रख के फिर हमें जाना है परमिट बनवाने फॉर लोअर मुस्तांग। एंड देखो क्या प्लान होगा, कब जाएंगे, नॉट श्योर। अगर आज परमिट मिल गया तो कल निकल जाएंगे, अगर आज नहीं मिला तो फिर कल का दिन हमारा पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो होपफुली ट्राई करते हैं अगर आज परमिट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सो दैट कि अपन आगे जाने के लिए भाई प्रिपेयर हो जाए। रात को हमें बाइक वगैरह भी क्लीन करना होगा क्योंकि बाइक की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो बाइक वॉश वगैरह भी कराना है एंड ख़ुद को भी भाई क्लीन करना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दस्त है पूरे रास्ते में। और तो अब सीधा पहुँचते हैं उनके घर पर एंड फिर वहीं पर मिलेंगे आप लोगों से। तो अभी हम लोग पहुँच चुके पोखरा एंड सामने देख सकते हो नेपाल टूरिज्म बोर्ड मतलब नेपाल टूरिज्म ऑफिस आ चुके हैं। ये रही भाई जैन भाई की 650, इधर मिल गए अपने उज्जवल दाई। और अभी हम लोग का सारा परमिट का काम ये करवा रहे हैं भाई, जल्दी से परमिट करवा लेते हैं वरना फिर कल हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा परमिट नहीं मिला तो, अंदर वीडियो नहीं बना सकते। तो परमिट बनवा के फिर आपको पूरा डिटेल बताते हैं। तो भाई लोग हमारे पास परमिट एंड ऑल सब कुछ बन चुका है, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। हैव अ लुक गाइस, ये रहा एक ऊपर जो आपको दिख रहा है वो टिम्स का परमिट है एंड ये है ACAP मतलब अन्नपूर्णा कंजर्वेटिव एरिया का परमिट। तो आप देख सकते हैं ये दोनों परमिट हमें बना है 1600 रुपीज़ का। ये फर्स्ट ऊपर जो टिम्स वाला है ये है 600 रुपीज़ का और ये है नीचे 1000 रुपीज़ का, जो कि नेपाली करेंसी में मतलब अगर इंडियन में कन्वर्ट करते तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में ये हमारा परमिट बन गया अप टू लोअर मुस्तांग मतलब मुक्तिनाथ जाने का। और ये परमिट आपको यहाँ बन जाएगा नेपाल टूरिज्म बोर्ड जो कि पोखरा में है। और इसका भाई आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको सीधा मिल जाएगा या फिर आप www.welcomenepal.com पे भी जाके इसका चेकआउट कर सकते हो। तो अब इसको भाई परमिट सारा हमने बनवा लिया, सबका परमिट इधर है एंड ये लोग भी पहुँच चुके हैं। तो सीधा निकलते हैं यहाँ से होटल की तरफ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, हमने होटल में सामान भी नहीं फेंका, सीधा इनके घर पर ही फेंक दिया। और अभी होटल गए थे बट सामान हमने इनके घर पे ही फेंक दिया। और अभी हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं भाई थाली, वेज थाली, आप देख सकते हो इसमें भाई इतना सारा कुछ जो कि मैं अकेले खाने वाला हूँ वो अकेले, और ये लोग पहले खा चुके हैं।